नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे जी, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और आज का व्लॉग मॉर्निंग क्लीनिंग व्लॉग है। तो कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग जरा भी अच्छे लगते हों तो लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। नाश्ता वगैरह हो चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अपना जो डेली का काम है वो शुरू हो चुका है। सोचे चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट क्योंकि उसके बाद मुझे सूट कटिंग भी करनी है, तो पहले मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी। अपना जो भी डेली का रूटीन होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए जी फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर दुकान पर कोई आ गया तो फिर बीच में ही मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है ना फटाफट से निपटा लेते हैं। और बच्चे स्कूल जा जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर अपना सामान जो भी होता है वो समेटना होता है। कोई इधर पड़ा होता है सामान, कोई उधर पड़ा होता है। फोन कर देती हूँ पहले।
तो जी झाड़ू पोछा मेरा लग चुका है पूरे घर में और अब आ चुकी हूँ मैं अपने किचन में। तो किचन का भी अब साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। जो भी डेली का ही रूटीन है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो फिर पूरा सामान निकालो, पूरा दिन लग जाता है तब जाकर कहीं होता है, लेकिन डेली का जो भी थोड़ा बहुत जो भी साफ सफाई का काम होता है वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। और घर में जैसे झाड़ू पोछा लगाते हैं हम, अगर हम पूरा दिखाएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही दिखाया है। आशा करती हूँ आपको मेरा क्लीनिंग व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो जी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस जो भी मेरा आज का साफ सफाई का काम था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। मेरा डेली का ही रूटीन होता है ये, क्योंकि दुकानदारी का काम भी है, साथ में घर का काम भी होता है, साथ में सिलाई का काम भी है, और आजकल जैसे शादियां चल रही हैं तो शादी के टाइम में फिर दुकान का भी काम होता है और सूट वगैरह भी सिलने के लिए आए होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस जितना होता है निपटाने की कोशिश करती हूँ सुबह सुबह में ही, क्योंकि पूरा दिन तो फिर ऐसे ही दुकान पर ही निकल जाता है मेरा, क्योंकि कस्टमर का पता नहीं होता है जी कब आए। तो इसलिए बस जो भी व्लॉग था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। तब तक के लिए बाय बाय।